पहले चरण का मतदान प्रचार समाप्त हो गया, 4 को वोट है, फिर 11 को वोट है दूसरे चरण का। मेरा एक प्रश्न ये आप सपा से भी और भाजपा से भी पूछूंगा, यही आपसे शुरुआत करता हूं। दो चीजें, निकाय चुनाव का मूल मुद्दा जनता के मन में क्या होगा, आपको क्या समझ में आया प्रचार में, एक। दूसरी बात, अगर निकाय चुनाव का परिणाम भाजपा के पक्ष में गया, ये इसमें परेशान मत होइएगा, भाजपा से ये पूछूंगा, अगर सपा के पक्ष में गया, इसलिए अगर भाजपा के पक्ष में गया तो आप समाजवादी पार्टी की दृष्टि से उसका मैसेज क्या होगा, उसका कारण क्या होगा, उसका अर्थ क्या होगा। पांडे जी देखिए, नगर निकाय के जो चुनाव, नगर निकाय का चुनाव लोकल सरकार बनाने का चुनाव जी, और इसका मूल जो विषय है वह है नालियों की बेहतर व्यवस्था, नालों की बेहतर व्यवस्था, साफ सफाई की बेहतर व्यवस्था, डीजल की शुद्ध व्यवस्था, जो आम आदमी के जीवन से सीधे जुड़ा हुआ मुद्दा है, ये उनके लिए प्रमुख मुद्दा, जिनके दरवाजे पर बिना बरसात के भी एक फिट पानी लगा है उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि वो जल निकासी कैसे, जिनके दरवाजे पे लगी स्ट्रीट लाइट नहीं जलती उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा कि स्ट्रीट लाइट कैसे, जिनके घरों में शुद्ध पेयजल का इंतजाम नहीं उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा कि शुद्ध पेयजल का इंतजाम कैसे, ठीक, जहां कूड़े का अंबार लगा है जिसके अगर ठीक है कितनी देर इसको अगर क्रिस्प कर ले, मतलब जो नाले बिजली खड़ंजा कूड़ा पार्क, ये मसला ना, ये कह रहे ना आप, इसको क्रिस्प कर ले, हां ये कह रहे, ठीक है, इस मसले पर ही लोकल चुनाव है, पार्षद का भी चुनाव है, महापौर का भी, ठीक, तो ये तो इसी मुद्दे पर चुनाव। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लगातार महापौर रहे और हमें लगता है कि लगभग सभी नगर निगम में महापौर रहे होंगे, लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को हिसाब ना देना पड़े, जनता ये पूछ रहे कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कीर्ति जी एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकिए, नहीं नहीं इसको एक मिनट बहस को डिटेल नहीं करिए, आप आपने एक पार्ट बताइए, दूसरा पार्ट बता दिया, अगर ये परिणाम आपके विरुद्ध गए यानी समाजवादी पार्टी नहीं जीती तो इसका संदेश क्या होगा, इसका मतलब क्या ये माना जाएगा भाजपा की व्यवस्था अच्छी है, इसके शासन से जनता खुश है, और दूसरा इसके जो मेयर थे उनसे काम, उनके कामकाज से खुश है, ये अर्थ निकाला है। अगर मेयर के कामकाज से खुश होते तो टिकट क्यों बदलना पड़ता मेयर होता है? नहीं नहीं उस वो उनने बदले नहीं बदले वो आपका विषय नहीं मित्र, मैं पूछ रहा हूं अगर परिणाम आए तो आप कीर्ति बाबू एक मिनट भाई, हमारी बहस और दूसरे की बहस में कुछ अंतर रहने दो प्रभु, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं अगर मैं भी वही जानता हूं कि अगर इनके महापौरों ने बेहतर काम किया होता तो इनको टिकट क्यों बदलना पड़ता, उधार के उम्मीदवार क्यों लड़ाने पड़ते, ठीक है समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को तोड़ने पड़ते, ठीक है, अब रुकना होगा कीर्ति निधि पांडे को, अगर इस सब के बाद भी भाजपा जीती तो इसका कोई अर्थ तो निकालोगे या सो जाओगे, कुछ वही तो पूछ रहा हूँ, गजब करते हो, वही तो पूछ रहा हूँ मित्र, कोई अर्थ तो निकलेगा कि नहीं परिणाम के बाद अजब बात है, ठीक 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 तो फिर पक्ष में गया, रुको भैया, रुको ना, अरे रुको ना भाई, मैं हमेशा एसएन सिंह आपके पास आ रहा हूं और आपसे ये प्रश्न पूछूंगा, अगर सपा जीती तो आप इसका क्या अर्थ निकालेंगे, गोलमोल मत करिएगा सपा के तरीके से, सीधा सपा का जवाब दीजिएगा, अभी तो दोनों संभावना खुल कर चलेंगी, अभी तो परिणाम आए नहीं, जब 22 का विधानसभा चुनाव था ना तब भी मैं ये पूछता था कि भाई अगर भाजपा रिपीट हो गई तो क्या करेंगे, अगर सपा आ गई तो क्या अर्थ निकालेंगे, तब भी गोलमोल बात, अरे जनादेश का कोई तो व्याख्या होगी कि नहीं होगी, अगर सब खराब है तो जनता रिपीट कैसे कर सकती है फिर, और सब अच्छा है तो इसका मतलब आप झूठ बोल रहे थे। एसएन सिंह वही प्रश्न मेरा, जैसे पांडे जी ने बताया कि नाली बिजली खड़ंजा पानी की निकासी ये सब मसले हैं, मेरी बुद्धि कहती है ये सब मसले होंगे लेकिन इन सब मसलों के ऊपर एक मसला छा गया और वो छा गया व्यक्तियों के नाम लो तो अतीक अशरफ मुख्तार, और मुद्दे का नाम लो तो माफिया उन्मूलन कार्यक्रम,
जैसे मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम था, मैं ऐसा मानता हूं। आप भाजपा से मेरा प्रश्न, अगर इसके परिणाम आपके विपरीत गए तो उसका क्या अर्थ निकाला जाएगा, ये बताइए। सिंह साहब, अच्छा देखिए दोनों चीजें हैं, एक तो चुनाव के बारे में आपने पूछा, निश्चित तौर पे जो चुनाव है नगर निगम का, ये बिजली पानी सड़क सुरक्षा स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर होता है, बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर होता है, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने भरपूर किया। पूरी आजादी के बाद किसी सरकार ने उतना बिजली, उतनी हर घर जल नल योजना, सड़क और सुरक्षा के मानकों पर उतना कार्य नहीं किया, उतना आवास नहीं दिया, उतने अंत्योदय की परिकल्पना को पूरा नहीं किया जितने विकास के कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया। दूसरा सवाल आपका है, अगर हम जनता के बीच में जाते हैं, सर नवाते हैं और आदर नहीं पाते हैं, तो ये माना जाएगा कि हमारी नीतियों में कोई कमी रह गई होगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी 2014 से हमेशा जनता के बीच में जाती है और आशीर्वाद लेने के लिए सर झुकाती है। हमारे कार्यकर्ता, हमारे प्रदेश स्तर के कार्यकर्ता, केंद्रीय स्तर के कार्यकर्ता, लगातार सभी लोग जाते हैं, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं अमिताभ जी, जनता जनार्दन होती है, जनता भगवान होती है। जब हम उसके पास जाएंगे, उससे उसके सामने सर झुकाएंगे, निश्चित तौर पे आशीर्वाद पाएंगे। लेकिन कुछ लोग अमिताभ जी वो अंतिम समय में जाते हैं और पर्ची बनाएंगे कि हम देख लेंगे, आपकी मकान जला देंगे, आपका दुकान जला देंगे, आपका ट्रांसफर करा देंगे, ऐसे कार्य नहीं करते हैं। तीसरी बात, आपने कहा इस चुनाव में, तो इस चुनाव में अपराध भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अपराधी रहेंगे तो दंगा होगा, प्रदेश में, शहर में भी होगा, ग्रामीण में भी होगा। अपराधी रहेंगे तो कर्फ्यू होगा, अपराधी रहेंगे तो अपहरण होगा, अपराधी रहेंगे तो वसूली होगी, और ये सभी चीजें जो है वो समाज से जुड़ी हैं। निश्चित तौर पे हमारे लिए ये दोनों मुद्दे हैं कि अपराध पे जीरो टॉलरेंस की हमने नीति अपनाई और हमने विकास के मानक को जो पूरा किया, जो विकास के कार्य किया, इसको ले जी ठीक बात है। मैं ऐसा मानता हूं कि सारे नाली, बिजली, खड़ंजा, स्कूल, अस्पताल, तहसील सब जरूरी है, बहुत जरूरी है, लेकिन किसी भी आदमी से पूछो कि बाबू तुम्हारी जिंदगी ज्यादा जरूरी है कि खड़ंजा, तो वो कहेगा भैया जिंदगी। इसलिए मैं कहता हूं कानून व्यवस्था सारे मुद्दों पर हावी हो जाती है। जिसका पेट खाली है वो भी आग में तो नहीं कूदना चाहता ना, वो दंगा नहीं चाहता, वो अपराध नहीं चाहता, वो किसी गुड्डू बमबाज के झोले से बम फेंके सड़क पर ऐसा दृश्य नहीं चाहता। उस हताश जितने बमबाज हैं सब अपनी गति को प्राप्त हों। डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, कांग्रेस पार्टी इस पूरे चुनाव में मेरे ख्याल से मीडिया की नजरों से भी मैं भी बहुत ठीक से नहीं आई, पता ही नहीं लगा कहाँ चुनाव लड़ रही है, लड़ रही है नहीं लड़ रही है, क्या कर रही है, कहाँ नकुल दुबे हैं, कहाँ खाबड़ी है, कहाँ है, क्या हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। नहीं जी बिल्कुल, इसीलिए भाजपा को चलाना पड़ा कि उनके प्रत्याशियों को कांग्रेस का नाम देके। अमिताभ सर, शायद आप ना अपने स्टूडियो के बाहर आते नहीं है, ये जो हमें बार बार अपने उसे चलाना पड़ा, मैं कि मैं जाने कितने 10-15 प्रत्याशियों के नाम पे चलते कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, जो भाजपा लोगों का उस पर हम लोग केस भी करने वाले हैं, ये लोग लगातार उस पर भ्रम फैला रहे थे। और एक चीज अमिताभ जी मैं क्लियर कर दूंगी कि हमेशा स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि स्पष्टीकरण अपनों को चाहिए नहीं होता है और जिनको हम देंगे वो हजम नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, अभी आपने बात कहा कि बिल्कुल जनता का पेट भरा हो तो, लेकिन पेट भरा हो तो ना, आपने कहा अपराधीकरण और योगी जी जो बातें कर रहे हैं, मैं यही जानना चाहती हूँ अमिताभ जी, आज मेरे प्रश्न रहेंगे केवल कि मापनी कौन सी है। जंतर मंतर पे कुछ बेटियां बैठी हुई हैं, वो बेटियां सामान्य परिवारों की नहीं है, वो कुछ ना कुछ देश के गर्व को गर्व करने वाले माहौल उसने समय दिया था, देश ने गर्व किया था, वो बेटियां बैठी हुई हैं और यूपी के ही नेता है वो, और माननीय कह चुके हैं कि अगर मोदी जी, शाह जी और नड्डा जी कह दे तो इस्तीफा दे देंगे। सुप्रीम कोर्ट या तो कुछ समझदार नहीं कर रही है, सुप्रीम कोर्ट को एफ आई आर करानी पड़ती है। ये तमाचा हमारी यूपी के ऊपर है कि सुप्रीम कोर्ट को बीच में आके एक एफ आई आर करवानी पड़ रही है दिल्ली के द्वारा। तो अमिताभ जी सारे प्रश्न अच्छे लगते हैं, आपके सारे प्रश्न अच्छे हैं, लेकिन अपराधी क्यों सिलेक्टिव है भाई? जब आपकी जंतर मंतर पे कुछ बेटियां पिछले 12-13 दिन से बैठी हुई हैं, उत्तर प्रदेश के एक नेता है, एक व्यक्ति है जो जीत के पहुंचे हैं, माननीय है, सब कुछ है, बेटियां कुछ बात कर रही है, उनके प्रश्न क्यों नहीं हो रहे? इसका मतलब हम सिलेक्टिव होके सिर्फ अपने आप को देखने में। जो मैंने कहूंगी कि आपने शुरुआत की थी दोहों से, चौपाई से, तो झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन,
झूठ चबाना। ये भाजपा की पार्टी सुबह से शाम बस यही करती है, अपने सेलेक्टिव बातों को लेके चलना, सेलेक्टिव बातों को करना और दूसरों को मत दिखाना क्या, क्योंकि कांग्रेस क्या कर रही है, कांग्रेस को इनकी तरह बाहुबली नहीं है हमारे पास ना, हमारे पास जनता और हम लोग स्वयं अपना काम करने वाले। ठीक है सुधा जी, ठीक। मैं मोहम्मद तकी के पास साहब पास चलूं, उससे पहले एक बात कह दूं, बाकी भाजपा पर सवाल है सुधा, कांग्रेस का भाजपा जवाब देगी जैसे देना चाहेगी। एक बात मैं जरूर कह दूं ताकि तथ्य स्पष्ट रहे। सुधा जी पिछले काफी दिनों से हमारे साथ इस कार्यक्रम में नहीं जुड़ पाई, यूट्यूब पर जाके देखेंगी तो मुझे ब्रजभूषण पर भी वैसे बोलते पाएंगी। मैं कांग्रेस नहीं हूं, न भाजपा हूं, ना बसपा हूं, ना सपा हूं, मेरी से एक चीज सुधा नहीं, मेरी से एकदम फर्क नहीं। ये नेताओं को डर होगा, ना 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 ना, मैंने कल भी यही बात कही थी, ये डर नेताओं को होगा, अमिताभ अग्निहोत्री को नहीं। ठीक, जाके YouTube देखिएगा मैंने क्या कहा, एक बाकी भाजपा जवाब देगी। ठीक, इसलिए ये जब टिप्पणी करिए तो बहुत सोच समझ कर करिए। ठीक ठीक है, ठीक है, अभी रुकना होगा सुधा जी, आपने मेरे से बात कही इसलिए मैंने उसका उत्तर दिया उसी तेवर में, वो बहुत जरूरी था ताकि शब्द शब्द इतिहास में दर्ज हो जाए। ठीक, बहुत जरूरी है भाई शब्द दर्ज होना, वो दूसरे लोग होंगे जो गुडी गुडी करके निकल जाते होंगे, मैं कभी गुडी गुडी करके नहीं निकलता, मैं तो बीच चौराहे पर खूंटा गाड़ता हूं, गली में जाते ही नहीं। खैर, मोहम्मद तकी साहब, बिजली माफ पानी हाफ नारा दिया था आपने, पहले राउंड का प्रचार समाप्त तो हो गया, चार को वोटिंग है, एक दिन बीच में है, अगले दिन वोटिंग है, क्या स्थिति है आपका आकलन, क्या कह रहा भैया तकी साहब? देखिए, हमारा नाम था हाउस टैक्स हाफ हो और वाटर टैक्स माफ हो, बिजली की बात हमने नहीं करी थी, जो बिजली स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट आता हाँ, है जी जी जी, नगर निकाय में नहीं आता। दूसरी बात, हम ये बहुत साफ तौर से देख रहे हैं कि ये अंदर की बात है, सपा बसपा और भाजपा तीनों साथ हैं, कोई भी जो है खुल के मैदान में नहीं आ रहा है, जनता की बात आवाज नहीं उठा रहा है। हमने अखिलेश यादव को भी सड़कों के ऊपर लड़ते हुए जनता की आवाज उठाते हुए देखा, जबकि बिजली के बिल बढ़ाने की बात हुई, आम आदमी पार्टी धरना प्रदर्शन कर दिया, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लाठी खाई, लेकिन कभी भी समाजवादी पार्टी बसपा को तो छोड़ ही दीजिए, खुल के सामने नहीं है, उसने विरोध नहीं किया, और सिर्फ वक्ती तौर के ऊपर सामने आते चुनाव के बाद गायब हो जाते हैं। अभी जो कांड हुआ है लखनऊ कैपिटल इलाहाबाद, उसके बाद भी जो है समाजवादी पार्टी ने बहुत खुल के उसका विरोध नहीं किया, आम आदमी पार्टी लगातार उसका विरोध किया, और समाजवादी पार्टी एक विकल्प के तौर पे थी, जनता ने उसको मौका दिया था, लेकिन उन्होंने वो विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई। अब उत्तर प्रदेश वो काय की भूमिका निभा रहे, वो तो विपक्ष की निभा रहे, सहारनपुर में देखो कर ही रहे रोड शो, रोड शो रोड शो करने से विपक्ष की भूमिका थोड़ी ना होती है, आपको प्रदर्शन करना पड़ता है, सड़क पे आना पड़ता है, जनता की आवाज रखना पड़ता है, लगातार संघर्ष करना पड़ता है, वो सिर्फ चुनाव सीजन में आते हैं, गायब हो जाते हैं, कभी कभी विधानसभा में बोलते हुए दिखाई देते हैं, उस मुख्यमंत्री उसका अच्छा मतलब आप समझे, आप गोंडा में ब्रजभूषण से भिड़ाना चाह रहे हो क्या सपा को, इस चक्कर में हो क्या? देखिए, समाजवादी पार्टी और भाजपा दोनों माफियाओं के शरण में चले गए हैं, यहाँ भाजपा में बहुत सारे माफिया जो बैठ गए मंत्री बन गए हैं, और समाजवादी पार्टी ब्रजभूषण सिंह पे कुछ बोल नहीं पा रही है, वो अखिलेश यादव का ब्रजभूषण सिंह कह रहे अखिलेश यादव हमारे बचपन के दोस्त हैं, वो दोस्ती निभाएंगे, और यहाँ नहीं, नहीं, अरे भाई दोस्त नहीं, ना 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 ना, अरे रुको भाई, गलत गलत सुन के, दोस्त एक मिनट, एक दोस्त नहीं कहा, अरे रुको भाई, ब्रजभूषण बुजुर्ग है, अरे रुको भाई, ब्रजभूषण बुजुर्ग है, अखिलेश जी बुजुर्ग नहीं है, वो नौजवान है, ब्रजभूषण ने ये कहा अखिलेश जी बचपन से हमको जानते हैं, ये कहा हम उनको जानते हैं, हाँ हम उनको जानते हैं, तो दोस्ती हुई ना, जानते बचपन का प्यार है, तो जहाँ बचपन का प्यार है, जहाँ बीजेपी का प्यार है, समाजवादी पार्टी का प्यार है, और कुछ खुल के बोल नहीं पा रहे, माफियाओं के शरण में पूरी उत्तर प्रदेश सरकार सत्ता पक्ष में बचपन चली आ रही है, नहीं कांग्रेस तो नहीं पा रहा। अरे आपने सबको एक ही डंडे से हाँक दिया, बोला कांग्रेस सपा बसपा सब भाजपा के साथ है, तब उत्तर प्रदेश में ताले लगा दो, जब सब भी भाजपा के पास आगे, चुनाव की क्या जरूरत है, आम आदमी पार्टी है ना, आम आदमी पार्टी है, आवाज उठाने की जनता की, आम आदमी पार्टी है विरोध करने के लिए, आम आदमी पार्टी है लड़ने के लिए, और इस नगरा चुनाव में आम आदमी पार्टी आपको बड़ी भूमिका में दिखाई देगी, और भारतीय जनता पार्टी से लड़ती भी दिखाई देगी, हमारी सीटें समाजवादी पार्टी से कांग्रेस से भाजपा से अच्छी आएंगी, ठीक भैया, लेकिन एक बात कहूं तकी साहब, एक बात सुनो, ए अच्छी सुनो, चुनाव लड़ो अच्छे से लड़ो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ईडी पे भी निगाह बनाए रखो, वो चार सीट के लिए बड़ा रोड चल रहा है, पता नहीं कब कौन कहां अंदर चला जाए, ये भी मसला बड़ा खराब है, ये जो बीजेपी और सपा का चुनाव बना देती है उत्तर प्रदेश, हर बार वो इस बार ना हो पाएगा,
हर बार जो सपा बीजेपी का चुनाव बनाया जाता है अमिताभ जी, इस बार नहीं हो पाएगा। नहीं वो ठीक है, मैंने कहा ईडी पर भी निगाह रखो, केवल चुनाव में मत लग जाना, ईडी पे भी निगाह रखो, ये मैंने निवेदन किया। हम अर्जुन की तरह सब पे निगाह रखते हैं। तब ठीक है, तब ठीक है।